जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांड अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ, आपकी फाइनल मेट का एक दिन रहा है, तो उससे पहले वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा है कि मुझे पता है कि जो रह जाएंगे उनको कैसे कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा अपने आसपास में, और जो हो जाएंगे वो कैसे स्टेटस लगाएंगे इसके बारे में आप मान लीजिए। तो दोस्तों आप दोनों इसी धारा पे भी बह रहे हो कि बिल्कुल तुम इस तरह लाइन पे इधर भी गिर सकते हो, इधर भी गिर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप रह गए तो मुझे पता है कुछ लोगों को जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको बहुत खुशी होगी, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो गया तो उनको बहुत दुख। ये बात आप यकीनन मान लीजिए, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, जो आपकी खुशी से सुख, मतलब आपके अगर आप कुछ कर रहे हो जीवन में तो उससे सुखी हो, दुखी होते हैं लोग, जो कि गलत है, ठीक है। मेरे को किसी भी बंदे ने रिजाइन लेटर भेजा है और अगर वो परेशान है तो मैं उससे ज़रूर बात किया हूँ, मेरे को टाइम नहीं होते भी मैं उसको कॉल करके बात किया हूँ। क्यों? क्योंकि दुख होता है मुझे भी यार, कोई मेरे से जुड़ा हुआ इंसान है, चाहे आप यूट्यूब के जरिए मेरे से जुड़े हो, लेकिन दुख होता है, मेरे को भी होता है कि यार यहाँ पर आके अब मिला तो बहुत दुखी हो, मन भी दुखी होता है यार क्या करें, लेकिन वो क्या कि अब गलती हो गई तो हो गई। तो दोस्तों जो रह जाएंगे उनको बहुत सारे कटाक्ष का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत बोलेंगे उनको। एक बात याद रखना, अगर आपका रिजल्ट उनको पता चल गया कि आप फेल हो गए हो या भर्ती में रह गए हो, तब वो आपसे लोग ज़रूर पूछेंगे, अरे क्या हुआ तेरी भर्ती का, अरे क्या हुआ तेरी भर्ती का, फिर आप बोलोगे मैं तो रह गया, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे हमको पहले से ही पता था ये रह जाएगा, पढ़ाई करता ही नहीं था ये तो ऐसा था। अगर आपका नंबर आ गया तो वही बंदा क्या बोलेगा, अरे पढ़ता था ये, मैंने देखा है, मैं तो इसको पहले ही बोल दिया था पक्का है। और अगर आप रह गए तो फिर वो आपको कटाक्ष भी मारेंगे, अरे पढ़ भी लिया करो, फिर आपके घर वालों को बोलेंगे मैंने पहले बोला था ना क्यों पैसे ख़राब कर रहा है इसके चक्कर में, क्यों कोचिंग में भेज रहा है, क्यों कोचिंग में भेज रहा है, किस लिए पढ़ा रहा है, ये पढ़ने वाले नहीं है, ये ऐसे ही फिरते रहते हैं वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें होनी है। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, अभी वीडियो को मेरे को आपको आप देख रहे हो टाइम हो रखा है 2 मिनट 12 सेकंड, व्यू टाइम 2 मिनट 12 सेकंड के आसपास या उससे कम होगा, 2 मिनट के आसपास। आप एक बार नीचे लाइक में देख लीजिए, कम से कम 10 या 11 डिसलाइक आ गए हैं, देख लीजिए आ गए ना, ये इसलिए आ गए क्योंकि ये लोग है ना, अगर मैं ये बोलूँगा नहीं अपनी माँ से प्यार करना चाहिए तो भी ये लोग डिसलाइक करेंगे मुझे, ये लोग डिसलाइक करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको जलन है मेरे से कि मैं क्यों कर पा रहा हूँ ये सब, मैं कैसे कर लेता हूँ ये सब, इन लोगों को चिढ़ है इस बात से, ये दुखी है मेरे को खुशी जान के, मेरा इतना काम दे के, मेरी इतनी फॉलोइंग दे के, धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है हर रोज़ आप लोगों का इतना प्यार मेरे को मिलता है उसे दुखी है। तो ये इंसान कभी सुखी नहीं हो सकते अपने जीवन में, ठीक है, ये जानबूझ के डिसलाइक करें। अगर मैं एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप अगर आप फौजी बन रहे हो तो इस प्रकार अपने माँ के पैर चुना, अपने पिताजी के पैर चुना, सबसे पहले अगर रिजल्ट आए तो सबसे पहले अपनी माँ को ही बताना और उसके पैर छू के आशीर्वाद लेके फिर बताना कि मेरा रिजल्ट आ गया, उसके गले लग के। इसमें मैंने क्या गलत बोला मुझे एक बात बताओ, इस वीडियो पे भी 100 डिसलाइक है, क्यों? रेशियो बहुत कम है, 3000 लाइक भी है लेकिन 100 डिसलाइक। ये 100 डिसलाइक क्यों है? क्योंकि ये लोग जलन करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ ये जो 3000 लाइक है ना, मुझे उनसे उतना फ़ायदा नहीं है जितना ये 100 डिसलाइक से, पता है क्यों? क्योंकि जो लोग आप इनकी वजह से मैं इतना मोटिवेट होता हूँ, मैं कहा हाँ चलो, बुराई करने वाला इंसान है ना, अच्छाई करने के लिए पैसे लगते हैं दुनिया में, अगर कोई अच्छाई करेगा ना तो या तो आपसे वो पैसे लेगा या आपसे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ होगा, बुराई फ्री फंड में होती है और फ्री फंड में होके भी आपको फ़ायदा देके जाती है, 100% आपको फ़ायदा देके जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे यार वो मेरी कहीं बुराई ना करे, इससे अच्छा कि मैं ये काम कर लूँ, अरे कहीं वो मेरे को वो बोलेगा इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लूँ, अरे मैं घर वालों को वो मेरे घर वालों को ऐसे बोलेगा अंकल, वो ताऊ ऐसे बोलेगा मेरे घर वालों को इससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लूँ, यानी वो आपका फ़ायदा कर देते हैं जबकि वो चाहते नहीं है दिल से कि आपका फ़ायदा हो। इसीलिए दुनिया में बोलते हैं कि जो इंसान गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए खुद के लिए भी खोद ले, उसको पता नहीं है कि उसकी नेगेटिविटी की वजह से आपकी पॉजिटिविटी शुरू हो गई है और आपकी तरक्की शुरू हो गई। तो दोस्तों अगर आपका फेल भी हो जाओ तो कोई कटाक्ष मारे ना, चेहरे पे स्माइल हल्की सी, कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं लिखा होगा, जो लिखा होगा वो मिलेगा ज़रूर, ठीक है, जो लिखा है ना आपके जो भाग्य में लिखा है वो किसी को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा आपके भाग्य का, ना मेरे भाग्य का आपको मिलेगा, ना आपके माता पिता के भाग्य का उनको मिलेगा, और आपके भाग्य का आपको ही मिलेगा दोस्तों। अगर तो अगर फेलियर भी लिखा है ना तो मतलब टेंशन नहीं लेना है, सारा टेंशन को दूर दूर तक नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मैंने कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, हमेशा जीवन में उस चीज़ के लिए सोचिए जो आप कर सकते हो, जो हो गई है उससे कोई मतलब नहीं,
कि जो खो गया उसका गम नहीं, जो है वो किसी से कम नहीं। हासिल उन्हीं को होती है सफलता ज़िंदगी में जो हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो ना तो रोना है ना किस्मत पे, ना अपने हालात पे। अगर हो जाती है, अगर मान लो फेलियर, आपको पता है कि 100,000 बंदे हैं और 60,000 पोस्ट है, 40,000 फेलियर आने वाली है, तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना है, ठीक है। ये जीवन है, हार जीत चलती रहती है। ज़रूरी नहीं कि आज आप इससे हार जा रहे हो, कल जीवन में आपको इससे बड़ा भी मिल सकता है, इससे कई बड़ा भी मिल, इसका 10 गुना बड़ा भी मिल सकता है, 50 गुना। किस्मत बदलते 1 मिनट नहीं लगती, ठीक है। किस्मत जब बदलती है ना इंसान की, 1 मिनट नहीं लगती, लेकिन किस्मत उनकी बदलती है जिनमें हिम्मत होती है, ठीक है। अब देश सेवा का आप में जज्बा है, मुझे क्या, सबको प्राउड है, आपके माता पिता को भी है, सभी को प्राउड है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि देश सेवा फौज में आके भी होती है। अगर आप फेलियर भी हो जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि देश सेवा फौज में आके, अगर आपने देश के नागरिक किसी को, जैसे गरीब बच्चों को, अगर आप उनके लिए कुछ मदद का कार्य कर रहे हो, या किसी बूढ़े बुजुर्ग जो अपना देश, अपने देश के ही सब, तो उनके अगर आप सेवा कर रहे हो, पेड़ पौधे भी लगा रहे हो, तो वो भी एक देश के लिए आपका उपकार है और वो एक देशभक्ति है दोस्तों। देशभक्ति केवल बॉर्डर पर शहीद होके देशभक्ति नहीं है, या बॉर्डर पर आप अगर वर्दी पहन के अगर आप कर रहे हो तो वो भी देशभक्ति नहीं है। जो घर में बैठ के भी कर रहे हैं ना, वो भी देशभक्ति, अगर अपने देश के लिए जो सोचते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, वो तो किसी फौज पे बॉर्डर पे नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने मिसाइल दी अपने देश को, ठीक है। उनके पता चला जब उन्होंने अपनी पेंसिल तक, जो राष्ट्रपति पद की पेंसिल थी, वो भी गरीबों में डोनेट कर रखी थी, अनाथालयों में डोनेट कर रखी, वो देशभक्त है। तो देशभक्त बनने के लिए ये ठप्पा नहीं चाहिए कि भाई आपके पास वर्दी है तभी आप देशभक्त हो, नहीं दोस्तों। वर्दी की इज्जत भी देशभक्ति है, और जो वर्दी वाले काम करते हैं, हम बॉर्डर पे जो काम करते हैं देश की रक्षा के लिए, आप देश के अंदर भी कर सकते हैं, किसी गरीबों की मदद करके, गरीबों को बचा के, अगर कोई गरीब परेशान है तो उनको बचा के, जैसे कहीं आप अगर जाते हो वहाँ पर कुछ गलत होता है, वहाँ देख के उसको, उसके खिलाफ होना, उसको सही करना, ये सब देशभक्ति है, ठीक है। ये देश प्रेम है कि आप सही करना चाहते हो, गरीबों की मदद करना चाहते हो, अनाथ आश्रमों में जाके बूढ़े माँ बाप की कहीं की सेवा करते हो, वो सब देशभक्ति है। भले एक दिन ही करो, एक मिनट ही करो, चाहे 100 रुपये से करो, चाहे 1,000 रुपये से, चाहे 1,00,000 रुपये से, ये सभी देशभक्ति हैं। तो इसलिए कभी भी निराश नहीं होना जीवन में, ठीक है। अगर सफलता सभी को नहीं मिलती है, आपको पता है, अगर सिक्का हम उछालेंगे तो एक साइड टेल एक साइड हेड आना ही आना है, ये फैक्ट है, इसको हमको स्वीकार करना है। अब ये तो नहीं कि भाई टेल आ गया तो मैं क्या करूँगा, नहीं। तो इसीलिए ना बिल्कुल आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। तो अगर फेल भी हो जाओ दोस्तों, तो उसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं। एक बार के लिए ये सोचना कि मेरे किस्मत में ये जॉब नहीं लिखी थी, इसलिए मेरे को नहीं मिल रही, क्या पता मेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा होगा, और खुश रहना। अपने माँ बाप के सामने चेहरे पे हमेशा खुशी रखना दोस्तों, याद रखना इस बात को मेरे को, ठीक है। आप कमज़ोर पड़ोगे अपनी माँ को, और माँ को तो कभी दुखी करना ही नहीं जीवन में, याद रखना। माँ बाप को कभी दुखी नहीं करना जीवन में, साला बी ए मैन, मर्द बनो। मर्द केवल इंसान लड़का होने से नहीं, मर्द का मतलब है कि हिम्मत होनी चाहिए हार को स्वीकार करने की भी। मैं भी, मेरी तीसरी वैकेंसी थी जिसमें मैं लगा था, तीसरी, इससे पहले 2 बार मैं भी रहा हूँ, एयरफोर्स वाई ग्रुप की फाइनल मेरिट में और राजस्थान पुलिस के, उस समय तो मैं फिजिकली नहीं किया उसका, लेकिन 2 बार मैं भी रहा हूँ, एक पटवारी में, सॉरी 3 बार। तो अगर मैं पहली बार रोल लेता, फाइनल मेरिट में रहा था मैं, दूसरी बार भी पटवारी में 2 नंबर से रहा था, तो रो के बैठ जाता, क्या होता, अपने माँ बाप को दुखी कर देता, खुद भी दुखी हो जाता, फिर कुछ नहीं कर पाता जीवन में। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, पटवारी नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें लग जाएंगे, इसमें नहीं तो सीपीओ में नहीं तो UPSC बैंक, करते रहेंगे तैयारी जब तक ना लगेंगे, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है दोस्तों, एक दिन बचा है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, रिजल्ट में जो भी आए एक्सेप्ट करना, ठीक, जो भी आए एक्सेप्ट करना दोस्तों। और मुझे अपना छोटा बड़ा जो भी भाई मानते हो, भाई मान के कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप एक्सेप्ट कर लिए ना अच्छे से, आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। जो इंसान हार देख लेता है उसको कोई नहीं हरा सकता, आप में अगर हिम्मत है तो कोई नहीं हरा सकता आपको। ये नहीं सही, अगली और कोई वैकेंसी और कोई जगह, जरूरी नहीं वैकेंसी, कोई बिजनेस आपके लिए बना होगा, कोई काम आपके लिए बना होगा, तो किस्मत आपको कहाँ लेके जाएगी पता नहीं। और देशभक्ति की रही बात, अगर आप किसी दिन बड़े बिजनेसमैन बनते हो, अपने देश के लिए कुछ धन डोनेट करते हो, पैसे डोनेट करते हो देश के अच्छे कामों के लिए, जैसे अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है, तो उनसे देश की मदद हुई है, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज देती है हर बार, तो वो देशभक्ति है। वो जरूरी नहीं बॉर्डर पे सभी खड़े हो जाएंगे, अगर सभी बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे तो बिजनेस कौन करेगा। देशभक्ति होनी चाहिए दिल में। अब जो पास हो जाते हैं
उनको क्या करना है, उनके लिए मैंने एक स्टोरी लगा रखी, मेरी स्टोरी में जाके देखना है, इफ़ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड, तो ये स्टोरी लगानी है आपको उस दिन, स्टेटस आपके सारे स्टेटस पे ये लगा देना कि इफ़ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके जलन करने वाले इंसान हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि किसको बैड बोल रहा है, किसको डैड बोल रहा है, ठीक है। तो वो आप उस दिन खुशी मनाना। और सबसे पहले मैंने पहले भी बताया वीडियो, अपनी माँ के पैर छूना, कि उन्होंने इस लायक बनाया कि तुम आज इस मुकाम पर पहुँचे हो, तो सबसे पहले उनके पैर छूना है, उनको खुशखबरी देना, फिर अपने पिता के, फिर अपने भाइयों में सभी को मिठाई खिला के मुँह मीठा करना और खुशी मनाना, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने आपको यहाँ पहुँचाने में इतनी मदद की, उनको कभी एहसान नहीं भूलना, जैसे अपने माँ बाप का कभी नहीं भूलना, उनकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हो तो कभी नहीं भूलना। चाहे अगर किसी का भाई उसको पढ़ा रहा है, किसी की बहन अब पैसे कमा के अगर उसको पढ़ा रही है, तो उसका एहसान कभी नहीं भूलना ज़िंदगी में दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहले उन्हीं को खुशखबरी देना, फेसबुक पोस्ट बाद में कर लेना, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आके बाद में कर लेना कि आपका नंबर आया नहीं, सबसे पहले उनको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।